फाइनली हम राव जोधा के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे पूरी फायरिंग और मतलब जो भी वॉर हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, सो हम निकल पड़े। मॉर्निंग गाइज, जैसे आज हम सुबह को सेम डे का अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज हम आए हैं राव जोधा पूरी फैमिली के साथ, तो आज आपको राव जोधा घुमाएंगे। पूरा पार्क बना हुआ है 1 किलोमीटर का लंबा पूरा, चलता है राव जोधा के अंदर। यहाँ से अपना राव जोधा विजिटिंग सेंटर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप का कुछ गेट है, अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और चलते हैं। और यहाँ का टिकट है 100 रुपये पर पर्सन। तो अंदर आते ही कुछ इस टाइप का व्यू है, ये पूरी अपनी फैमिली और चलते हैं अंदर। तो गाइज आपको काफ़ी पुराने टाइम के ये मिल जाएंगे पत्थर, आप पहुँच कर तो देख लेना, काफ़ी पुराने टाइम के पत्थर है। देखो मैं हाथ में लेकर बता देता हूँ आपको, काफ़ी पुराने टाइम के, काफ़ी 180 मिलियन पुराने, काफ़ी पुराने पत्थर मिल जाएंगे आपको 1.1 बिलियन ईयर अगो। और सर गाइज अभी हम जा रहे हैं अंदर की साइड, राव जोधा पार्क के अंदर हम घुस चुके हैं और अब जा रहे हैं अंदर की साइड। पूरा अंकल ने गाइड कर दिया कि साइड कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, मतलब यहाँ के जो भी एक गाइडर है उन्होंने पूरा एरो का मतलब निशान बता के बताया है कि कहाँ से हमको जाना है कहाँ से नहीं जाना है। तो ये एरो है, ये एरो आपको बताएंगे जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये सीन है यहाँ का अपनी, और यहाँ से कुछ इस टाइप का व्यू है आप देख सकते हो, काफ़ी मतलब कितनी बढ़िया यार टाइप से। ओ अब देखो कितना बढ़िया टाइप से व्यू आ रहा है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ से नीचे जाना है हमको। ऑल सेट, नीचे आ चुके हैं हम, साथ में हमारी मम्मी है, दो सिस्टर्स है और अपनी एक क्यूट सी भांजी भी है। और ये कुछ इस टाइप का पूरा जंगल का व्यू है आप देख सकते हो, काफ़ी मतलब जंगल टाइप का पूरा। आज तो एडवेंचर हो रहा है अपना, ऐसा लग रहा है कोई मूवी शूटिंग हो रही है यहाँ पर। अब आगे हम क्या देखेंगे तो आप पॉज करके देख लेना क्या क्या राव जोधा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलता है नीचे और देख, तो नीचे आते कुछ इस टाइप का व्यू आ रहा है, थोड़ी बदबू भी आ रही है बट चलेगा। तो ये है व्यू, जहाँ पे भी आरो दिखा रहा है उसी साइड हमको जाना है, इस साइड ये बंद है। काफ़ी भूतिया एरिया लग रहा है बट चलते हैं अंदर, काफ़ी खतरनाक व्यू आ रहा है यार। इतनी बड़ी वॉल मिल जाएगी, सब पहले का टाइम का है ये, ये जो भी रिमेन्स यहाँ की है वो है। चलते हैं अंदर, ये हमारी सिस्टर जो कि फ़ोटो खींचने लग गई है आते ही, सेल्फी क्वीन आप बोल सकते हो उनको। और ये घुस चुके हैं हम अंदर। मेरी हाइट का नहीं है गाइस, कृपया 6 फुट वाले ना आए। काफ़ी अंधेरा है और ये हम घुस चुके हैं पूरा अंदर की साइड। ये सब पहले के टाइम के रिमेन्स पत्थर, एक टाइप से गाइस ये पूरा अपन को एडवेंचर लग रहा है। काफी बढ़िया व्यू आ रहा है, नाइट के टाइम यहाँ पर बुलाया जाए तो तब ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज यहाँ नाइट के टाइम डर लगेगा। और कुछ इस टाइप का व्यू है। मैं थोड़ा और आगे आते ही ये एक और बोर्ड आ गया है, आप पहुंच करके देख लेना क्या क्या है आगे की साइड। तो देखो ये कितने बड़े बड़े यहाँ पर माउंटेन सब पत्थर है, फोटो ले लो इसका एनी टाइम। काफी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं गाइस, देख सकते हो अभी मैं कहाँ हूँ और चट्टान कितनी ऊपर है। और पीछे से साइड से आपको कुछ इस टाइप का व्यू आ रहा होगा। और अब चलते हैं और आगे साइड, यहाँ के देखो आप पत्थर कितने मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रखे हुए हैं। बाकी बहुत बड़ा व्यू आ रहा है यार। तो हाँ नाइट के टाइम यहाँ पर बुलाया जाए तो बहुत बढ़िया वाला एडवेंचर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डर लगेगा रात के टाइम चढ़ने में और बहुत मज़ा आएगा। मुझे एडवेंचर वाली चीज़ें ही गाइस ज़्यादा कर मतलब पसंद है। तो हाँ आज हमारी वो विश पूरी हो रही है, आप राव जोधा आइए, अगर आपको एडवेंचर करना है तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, चट्टाने हैं काफ़ी सारी। फाइनली गाइज अब ओपन एरिया आ रहा है। ऑल सेट गाइज, और अंदर आते ही पीछे की साइड गई है मेहरानगढ़ फोर्ट का अपने पूरा का पीछे का व्यू। जो हम कल जहाँ चले थे वो यही है, माँ चामुंडा माता का मंदिर आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। वो देखिए माँ का मंदिर जो हम कल चले थे। और काफी तगड़ा एडवेंचर हो रहा है अपना, इस साइड भी आपको पत्थर्स, इस साइड भी पत्थर्स, पीछे की साइड पूरा मेहरानगढ़। मैं आपको बता दूं गाइज अगर आपको यहाँ राव जोधा के अंदर आना है तो ये पूरा 1 किलोमीटर मतलब रेंज के अंदर बना हुआ है, और आपको पूरा 1 किलोमीटर तक पैदल ही घूमना है यहाँ पर। पूरा मतलब आप पूरा एडवेंचर करते हो एक टाइप से, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, अकेले आओगे तब तो और भी मजा आएगा, बिकॉज आपको आवाजें सुनाई देगी बहुत तगड़ी तगड़ी, तब थोड़ी फटेगी भी आपकी। तो हाँ बहुत मजा आ रहा है। अब आगे आ गया है एक छोटा सा ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जाना है हमको, जिस टाइप से हमने गाइडर ने बोला था कि येलो एरो की ओर ही हमको जाना है। तो हाँ ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे का कुछ इस टाइप का व्यू, और चलते हैं ऊपर। 3, 2, 1 इस साइड मना किया है, इस साइड जाना है। मेहरानगढ़ का गाइस पूरा हमने प्रॉपर व्लॉग बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ क्लिक करो, देखो व्लॉग एंजॉय करो। यह गाइस राव जोधा की झील पूरी, जैसा कि गाइडर ने बताया था ये है झील, हम झील के पास तो पहुंच चुके हैं। और पीछे की साइड का ये मेहरानगढ़ का व्यू, इस साइड भैया काम कर रहे हैं और ये है पूरा व्यू।
दिस इज कॉल्ड व्यू। तो ये आपको वॉल दिख रही है ना, इसी वॉल के पीछे की साइड जो पहले की हमारी अटैक हुआ था मेहरानगढ़ वॉल के ऊपर, तो ये वॉल थी जो हमारी ब्रोक हो गई थी। और पीछे की साइड हमारा माता चामुंडा माता के मंदिर है, यहाँ पे पूरी फायरिंग और मतलब जो भी वॉर हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। जो भी लोग आते थे वॉर करने वाले दीवार के उस साइड, ये पूरा यहाँ पर वॉर हुआ करता था। इस साइड गाइस जाना मना है, बट एक बार व्यू देख के आता है किस टाइप का व्यू है। पागल को मैंने साथ में ले लिया है और काफी ढलान है, चलना मुश्किल भी हो रहा है, बट हाँ। ये वॉल है गाइस जो कि वॉर के टाइम टूट गई थी। और इस साइड भी झील है, देख सकते हो आप, झील काफी गहरी झील है ये। और ये वॉल मेहरानगढ़ की देख सकते हो आप पूरी। हाँ जी, इस साइड गाइस एक छोटा सा गेट है, देखते है अंदर इस साइड का क्या व्यू है। देखते है क्या है यहाँ पर, ऐसा बिकॉज एडवेंचर करना है तो एडवेंचर पूरा करेंगे। लॉक लगा रखा है, पता नहीं अंदर। अच्छा, पीछे की साइड भी पूरी झील है ये। और वो आप ऊपर देख सकते हो जिप लाइन हो रहा है यहाँ पर, वो देखिए वो। ऑल साइड गाइस वापस बाहर निकल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कुछ ज्यादा खास था नहीं, गेट लग रखा है और पीछे की साइड ओनली झील थी। चलते वापस ऊपर की ओर, चलो हम चलते हैं इनके पीछे पीछे। जानवर देखना है, खुद का फेस देख ले यार, जानवर से कौन सा कम है तू। हमारा छोटा रकून मिलिए ऊंट कहीं का। ऑल साइड गाइस एक और न्यू एरो की साइड हम जा रहे हैं और इस साइड कुछ इस टाइप का व्यू है, काफी खतरनाक वाला जंगल है। इस साइड छोटी सी नदी है और ये व्यू है, अचानक से कोई एकदम टाइगर आ जाए तो खतरनाक वाला व्यू मिल जाए। इधर आवाज़ तो आ रही है टाइगर की और ये पेड़ बीच में आ रखा है, आगे पानी की आवाज़ आ रही है। ये छोटी सी हमारी नदी है, अच्छा यहाँ की साइड इस साइड आ जाती है छोटी सी झील जहाँ पानी टपक रहा है, यहाँ पे हो रहा है पानी के। ये अब चलता है ऊपर, आ गए हैं ऊपर और वो रहे हमारे फैमिली मेंबर्स। इस साइड ये छोटी सी पानी की नहर आ रही है और इस साइड से जा रही है, काफी बढ़िया हो रहा है सिस्टम। जून जुलाई के टाइम गाइस यहाँ का कुछ अलग ही व्यू है बिकॉज यहाँ पर उस टाइम पूरी हरियाली हो रखी है, बट हाँ यहाँ की अभी भी वाइब अच्छी आ रही है नो डाउट। मम्मी के और गाइस पांव दर्द होने लग गए, बट हमारी तो अभी जवान है, हमको तो चलना पड़ेगा। रास्ता तो है इस साइड, काफी खतरनाक आवाज आ रही है, डर भी लग रहा है, बट रास्ता है ना यहाँ पे, रास्ता है। गाइस हमको रिकमेंड किया गया है, बट हम, मेरा मन कर रहा है रेड एरो में जाए, बट क्या कर सकते हैं यार, वहाँ पे तो थी बहुत ज्यादा गर्मी। यहाँ पे हालत आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे फाइनली डोर मिल गया, हमें तो लगा था हम घूम हो गए, आज पहुँच तो गए बट गलत डायरेक्शन में हम आ चुके हैं, गलत रास्ते पे, बिकॉज आपको जाना था गेट नंबर 1 पर, हम आ चुके हैं वापस, तो कौन चलेगा यार। टू वाला गेट हमारा बंद है, लॉक लगा रखा है, तो अब देखते हैं क्या सिस्टम होगा। यहाँ तो यहाँ से जंप करेंगे या फिर इसको ऑल साइड गाइस हम वापस आ चुके हैं, हमको जाना था गेट नंबर 1 पर बट हम आ गए थे गेट नंबर 2 पर। और गाड़ी तो अपनी यहाँ पर आ चुकी है और अब चलते हैं वापस घर की ओर। आए आए गाइस महादेव जी के मंदिर चल लेते हैं एक बार, देखते हैं जय शंकर का मंदिर किस टाइप का है। यहाँ रावजोधा का आप आओ तो देख सकते हो, ये मंदिर है, भगवान के दर्शन कर सकते हो आप महादेव भगवान के। इस साइड से गाइस हम घुसे थे, इस साइड से हम निकल गए हैं और इस साइड आपको महादेव भगवान का मंदिर मिल जाएगा। अब चलते हैं वापस घर की ओर, या फिर कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं कुछ खाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा हमको भूख लगी है। अब चलते हैं सीधा घर पे।